हूँ तुबा शताब ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे अल्लाह के फजलो करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है आजकल मसरूफियात। मैं तो इन दिनों जो ये पूरे 10-15 दिन गुजरे हैं बहुत ज़्यादा थोड़ा मसरूफ़ रही हूँ। मम्मा के घर में एक्चुअली हो रहा है काम, अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है वो फाइनल उस पर आ गया है। रेनोवेशन का काम चल रहा था, मम्मा का घर जो है वो पूरा उलट पुलट हुआ हुआ था। रोज़ाना जो है वो मजदूर आके काम करके जा रहे थे। पूरा माशाल्लाह किचन रेनोवेट हुआ है और कलर हुआ है, अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो चुके हैं। बस अब किचन में कैबिनेट्स वगैरह लग रहे हैं, तो बस यही सब कुछ हमारे यहाँ चल रहा है। तो मैंने सोचा खाना हम सब साथ ही मिलके वैसे भी खाते हैं, लेकिन मम्मा का भी खाना जो है वो मैं यहीं पे ही आजकल बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए, नया बनाया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड चिकन। आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ वो है फ्राइड चिकन की रेसिपी। बहुत दिन से देसी खा खा के हम थोड़ा बोर हो गए थे, तो फायका और तैयबा इन सब ने और बच्चों ने चिकन खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा बाहर से ऑर्डर करके मंगवाने से बेहतर है कि घर में ही बना ली जाए। और बहुत आसानी से बन जाती है, सिर्फ 1 घंटा मैरिनेशन लगता है। मैंने 1 घंटा रखी, आप चाहे तो हाफ़ एन आवर भी रख सकते हैं। और बहुत ही मज़े की ये जूसी सी बन के रेडी होती है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है कि हमने बर्फ़ वाला पानी लेना है, फिर मैदे में डिप करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। और साथ ही साथ मैंने बनाए हैं अरबियन राइस, नॉर्मली जो KFC वगैरह में मिलते हैं उसी टाइप का। फ्राइड चिकन है और राइस है, अरबियन राइस है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए चल के बनाते हैं फ्राइड चिकन। पानी भी आ रहा था तो मैंने आज मशीन भी लगाई हुई थी, सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, बस एक लास्ट ट्रिप रह गया है तो वो अभी हो रहा है। यहाँ पे ये देखें लास्ट राउंड चल रहा है। मैंने सोचा ये पहले हो जाए उसके बाद फिर किचन का काम करेंगे, क्योंकि तो जनाब ये देखिए ये हाल हो रहा था मम्मा के घर का। देखिए कितनी टूट फूट हुई है, असल में दरवाजे वगैरह भी चेंज हुए हैं, पूरी चौखटें वगैरह चेंज हुई हैं। तो ये कुछ हाल हो रहा था पिछले कुछ दिनों से मेरी मम्मा के घर का। और ये अभी कल की वीडियो है, थोड़ा अल्लाह का शुक्र है सारे काम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, कैबिनेट्स वगैरह लगने की तैयारी हो रही है। अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं फ्राइड चिकन बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन ले ली थी, ब्रोस्ट के पीसेस कटवा लिए थे और इसे अच्छे से धोकर मैंने नमक सेका लहसुन अदरक के पानी में तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छी सी बन के रेडी हो जाए और जो स्मेल वगैरह भी होती है चिकन की वो भी नहीं आए। और यहाँ पे मैंने पानी लहसुन अदरक का ड्रेन कर दिया था। उसके बाद अच्छे से पूरी चिकन को मैंने पेपर टॉवल की मदद से खुश कर लिया था। याद रहे जब भी आप फ्राइड चिकन बनाएं, ब्रोस्ट बनाएं, किसी भी किस्म का चरगा वगैरह कुछ भी बना रहे हों तो चिकन को अच्छे से खुश कर लिया करें, ताकि इस पे जो कोटिंग है मसालों की वो बहुत अच्छे से हो जाए। बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ फर्स्ट मैरिनेशन की तैयारी। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ नमक, सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, यहाँ मैंने 1 बड़ा भर के खाने का काली मिर्च ऐड की है, ये देखिए जनाब। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे कुटी हुई भर के काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ऐड की। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी कम लगी तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और कुटी हुई मिर्च ऐड की। यहाँ पे असल में ऐड करना था ओरिगैनो, लेकिन मेरे पास ओरिगैनो अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया मिक्स हर्ब। और फिर इसका मेन इंग्रेडिएंट वो है पेपरिका पाउडर, यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 बड़े खाने के चम्मच पेपरिका पाउडर। सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा, डालिएगा चिकन में। बस फिर उसके बाद हम अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह सारे मसाले चिकन में रब कर देंगे, अच्छी तरह हल्के हाथों से पूरे मसाले चिकन में लगा देंगे। और बस फिर मैंने इसे अच्छी तरह रैप करके 1/2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि हमारे मसाले अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मैं एक और सैलेड की तैयारी कर रही हूँ, ली है बंद गोभी, ऐड की है मैंने इसमें काली मिर्च, नमक और
या थोड़ी सी चीनी और कोई से भी ब्रांड की आप मायनीज ले लें और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी कोल सैलड बनके हो गई है रेडी। तो फिर जनाब अब हम आएंगे अपनी चिकन की सेकंड मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक लिया है बड़ा सा बॉल, उसमें ऐड कर रही हूँ मैं अंडे। मैंने यहाँ पे 3 अदद के करीब अंडे लिए थे और बस इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए जनाब सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं। अंडों को फिर हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। आप अपने चिकन के हिसाब से अंडे ऐड कीजिएगा मैरिनेशन में। मेरे पास ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन थी तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े अंडे ले लिए थे। फिर मैंने अंडों में ऐड किया है नमक और उसके बाद ये इसका कह लें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हॉट सॉस। चिली सॉस नहीं लेना, हॉट सॉस लेना है, हर किसी ब्रांड में आराम से अवेलेबल है और बस इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए और बस ये जो हमारी चिकन थी जो हमने पहले से ही मसालों में मैरिनेट करके रखी हुई थी वो इसमें हम डिप कर देंगे अच्छे से अपने हाथ की मदद से। अंडे और जो हमने हॉट सॉस का मिक्सचर बनाया है वो चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे चिकन में अच्छे से कोट हो जाए। इसे भी हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का है। फर्स्ट मैरिनेशन में भी तकरीबन आधा घंटा लगा, उसके बाद मैंने मज़ीद 1 घंटा आधा घंटा रख दिया। जितनी देर ये सारे मसालों में मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पे फिर मैं तैयारी कर रही हूँ अरबियन राइस बनाने की। एक पतीली में मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, सारे गरम मसाले खड़े गरम मसाले ऐड किए। आप यहाँ पे काली मिर्च साबुत ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई थी तो मैंने खाली दालचीनी का एक टुकड़ा और कुछ लौंगे डाल दी। फिर जब वो अच्छे से क्रैकल हो गया तो फिर मैंने यहाँ पर एक कनौर क्यूब ऐड किया और उसके बाद चॉप लहसुन। चॉप लहसुन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे चावलों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पर चावलों को अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए ध्यान रहे फ्राई करते हुए चावल हमारा टूटना नहीं चाहिए, बस 1-2 हाथ चलाएं, उसके बाद इसमें आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, नमक और मेरे पास घर में रखा हुआ था मंदी मसाला। ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप पिसा हुआ गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर ये मंदी मसाला ऐड कर दिया। तो बस जनाब इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़ चॉप हुई हुई और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, सारे मसाले मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मैंने सोचा ये पक रहे हैं चावल तो हम चिकन को कोट करने के लिए जिस मसाले में हम चिकन कोट करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप के करीब मैदा और सेम उसी क्वांटिटी में 2 कप के करीब हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। फिर जनाब हम उसके बाद ऐड करेंगे इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, पेपरिका पाउडर और अगर आपके पास इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जितने इसमें मसाले जाएंगे उतने ही ये कोटिंग मज़े की बनके रेडी होगी। यहाँ पे मैंने ऐड किए देखिए काली मिर्च, नमक, फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो इसलिए फिर मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर फिर मैंने ऐड किया है पेपरिका पाउडर और फिर मैं इसमें एंड में शामिल करूँगी मिक्स हर्ब्स, इसकी जगह आप ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और बस हम इसे अच्छा सा दे देंगे एक मिक्स ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जनाब मुझे आने लगी थी अच्छी सी खुशबू और यहाँ पे मेरे तैयार हो गए अरबियन राइस। बस यहाँ पे मैंने ऐड किया येलो फूड कलर, थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व किया और उसके बाद दोबारा मैंने इसमें ऐड कर दिया येलो फूड कलर और इसे हम 2 से 3 मिनट दम पर रख देंगे। तो जनाब ये हम कर रहे हैं चिकन की कोटिंग। ये मैंने ली है जो हमारी चिकन मैरिनेट हुई भी रखी थी अंडे और हॉट सॉस के मिक्सचर में। ये देखिए बस वो मैंने ली और इस तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने अच्छे तरीके से इसे कोट किया और एक साइड में रखती चली गई। ये देखिए जनाब ये मैंने उठाया एक चिकन का पीस, इसे अच्छे से सारे ड्राई मसालों में कोट कर दिया। अच्छे से कोट कर दें ताकि कोई भी जगह इसकी खाली ना रहे। जितने अच्छे से ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स कोट होंगे उतनी ही अच्छी सी हमारी क्रंची सी फ्लेवर फुल चिकन बन के रेडी होगी। ये देखिए जनाब
इसी तरह हमने सारी चिकन जो है वो कोट करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में रख देनी है। फिर हम करेंगे इसकी सेकंड कोटिंग की तैयारी। यहाँ पे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, मैदा और जो हमने कॉर्नफ्लोर का जो ड्राई मिक्सचर बनाया था, उस पर मैंने ये ऐड किया है। जो बची हुई हमारे पास मैरिनेशन रखी हुई थी, हॉट सॉस और अंडे का मिक्सचर था, मैंने मैदे और कॉर्नफ्लोर में अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि हमारी अच्छे से क्रंची सी फ्लेवरफुल सी चिकन बनके रेडी हो। इसमें हमें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसमें हॉट सॉस वाला मिक्सचर ऐड किया और इसे अच्छी तरह हाथों की मदद से स्क्रैम्बल कर लिया। जैसे आटे में हम पानी डालते हैं आटा स्क्रैम्बल हो जाता है, वैसे इसी तरह बिल्कुल हमें इसको स्क्रैम्बल कर देना है। अब करते हैं हम जनाब सेकेंड कोटिंग की तैयारी। चिकन मैंने ली अगेन हॉट सॉस और अंडे के मिक्सचर में मैंने डिप किया और उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे से कोट किया मैदे और कॉर्नफ्लोर में। ये देखिए जनाब, इस तरीके से अच्छे से चिकन को हल्के हाथ से दबा के हमने इसमें सारे मसाले अच्छे से कोट करने हैं और इस तरह इसको इस तरीके से झाड़ते भी रहना है ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा मैदा और कॉर्नफ्लोर चिपका हुआ है वो भी निकल जाए। ये देखिए अगेन मैंने डिप किया चिकन का पीस हॉट सॉस और अंडे वाले मिक्सचर में और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कोट कर रही हूँ मैदे और कॉर्नफ्लोर में। इससे हमारा बहुत अच्छा क्रंची सा चिकन बनके रेडी होगा। साथ ही साथ इसको हल्के हाथ से झाड़ते भी रहना है। देखें मैं किस तरीके से इसको झाड़ रही हूँ, इससे इसका टेक्स्चर बनेगा क्रंची वाला। ये देखिए जनाब, अगेन दोबारा से मैंने चिकन ली, हॉट सॉस में डिप किया और ये स्क्रैम्बल हुए हुए मैदे में हमने अच्छे से कोट कर दिया। ये देखिए जनाब, और बस इसी तरह हमने अपनी सारी चिकन को अच्छे से कोट कर देना है इन सारे मसालों में। साथ ही साथ मेरे अरबियन राइस भी बनके रेडी हो गए थे। ये देखिए इतने ज़बरदस्त से बनके ये रेडी हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि फ्राइड चिकन बन रही है तो वो तो इनकम्प्लीट है फ्राइज़ के बगैर, तो फिर मैंने यहाँ पे फ्राइज़ भी बना लिए बच्चों के लिए, क्योंकि फ्राइड चिकन के साथ फ्राइज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। और फिर जनाब हम करेंगे इसको फ्राई, डीप फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने एक बड़े पैन में ऑयल ऐड किया, थोड़ा सा वो गर्म हो गया, मीडियम टू हाई हीट पे करना है। पहले थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद जब ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आ जाएगा हमारा चिकन, तो फिर हम इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रंची सी बन के रेडी हो। ये देखिए बस जनाब, इसे कर लेना है हमने फ्राई और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। और यहाँ पे हमारी क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन बनके हो गई है रेडी। बस मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी क्रंची फ्लेवरफुल सी ये चिकन बनके रेडी हुई थी। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और ये रेसिपी ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब बस आ गया है प्लेटिंग करने का टाइम। यहाँ हमारे बनके रेडी हो गए अरबियन राइस, क्रिस्पी क्रंची फ्लेवरफुल चिकन और फ्राइज और कोल सैलेड। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो जनाब बस हो गया था खाने का टाइम और हमने सब ने साथ मिल के इंजॉय किया ये ज़बरदस्त सा मील। माशाल्लाह ये देखिए जनाब, आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे चल रही हैं ज़ैनब और मम्मा की मस्तियाँ, ये दोनों ऐसे ही माशाल्लाह खेलते रहते हैं। तो जनाब आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।